हेलो एवरीबन अगेन मैं आपके साथ हूं विद लेक्चर नंबर 19 एंड वी विल डिस्कस सबनेटिंग ऑफ क्लास ए राइट तो दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर फॉर द सबनेटिंग एंड फॉर द बेसिक नेटवर्किंग आल्सो राइट लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर रखा है कि क्लास सी का एंड क्लास बी का सबनेटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कि कोई एड्रेस आपको अगर क्लास ए का दिया जाता है तो आप उस पर सबनेटिंग अपना जो भी नीड आपकी है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे सबनेटिंग आप अपने आईपीज को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है चलो हम स्टार्ट करते हैं वी हैव द एड्रेस टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो स्लैस नाइन सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी जिन लोगों को ये कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो प्लीज सबसे पहले मेरा जो सबनेटिंग का क्लास सी एंड क्लास बी का जो लेक्चर है उसको आप एक बार गो थ्रू कर लें एंड इसके बाद आप फिर लेक्चर नंबर 19 क्लास ए का सबनेटिंग आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली ठीक है तो इसका वाइनरी प्रेजेंटेशन अगर आप लिखते हैं तो ये आपका होगा टू यानी कि सी आई का मतलब है आपने एक बिट को ऑन किया है बाय डिफॉल्ट सी डिफ़ॉल्ट आर वैल्यू क्लास ए का होता है दैट इज एट और एक बिट अगर आपने ऑन किया तो एक्चुअल जो सबनेट मास्क आपका कैलकुलेट होगा दैट विल बी टू फाइव फाइव डॉट वन टी एट डॉट जीरो डॉट जीरो चेंजेस करे हैं ना वो आपने सेकेंड ऑक्टेट में करे हैं ये चीज आपको ध्यान रखना है एन का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो नंबर ऑफ ऑन बिट्स जो हमें मिले हैं वो एन इक्वल टू वन है आपके एच इक्वल टू यू हैव ट्वेंटी थ्री दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि क्लास ए का जो एड्रेस होता है वहां पे सबसे ज्यादा आई जो आप एक सबनेट में एलोकेट कर सकते हैं ठीक है हाउ मेनी सबनेट्स अगर आपको कैलकुलेट करना है सो वी हैव दमूला टूरिस्ट दी पावर एन एंड यू विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एन हेयर टू रेज पावर वन विच इज इक्वल टू टू तो अगर आप इस पर्टिकुलर एड्रेस का स्लेस नाइन पर सबनेटिंग करने जाते हैं यू विल गेट द टू सबनेट मैक्सिमम वैलिड आईपीज पर सबनेट का आइडिया आपको लगाना है सो दैट वुड बी अगेन टू रेज दी पावर एच माइनस टू वी द फॉर्मूला टू रेज दावर ट्वेंटी थ्री एच का वैल्यू अगर आप पुट करते हैं यहाँ पे एंड माइनस टू करते हैं तो इतने आईपीज आप एक सबनेट में लगा पाओगे इतने सारे सिस्टम्स को पीसीज को सर्वर्स को आप प्लेस कर पाओगे थर्ड क्वेश्चन जो हमारा होता है दैट इज ब्लॉक साइज और सबनेट रेंज ऑलरेडी मैंने बता रखा है जनरली हम लोग टू फिफ्टी सिक्स में से माइनस करते हैं सबनेट मास के जिस ऑक्टेड को हम चेंजेस करते हैं और वहां पे जो वैल्यू हमें मिलता है फाइनली तो वी हैव चेंजेस इन सेकंड ऑक्टेट Or according to second octet, we have the value 128. If we will just minus 128 from 256, we will get the block size or subnet range 128 again. If you will add, we will start the block from 0. 0 mega 128 up at that will be again 128. And again, you will add 128, that will be 256. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं दोनों सबनेट्स का जो ब्लॉक है या सबनेट रेंज है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो से आपका नेटवर्क आईडी स्टार्ट होगा और एंड जो होगा आपका सेकेंड ऑक्टेड से मैंने स्टार्टिंग किया है कीप इन माइंड जिस ऑक्टेड में आप चेंजेस करते हैं सो वी वी हैव मेड द चेंजेस इन सेकंड ऑक्टेड तो उसके अकॉर्डिंग टेन डॉट वन ट्वेंटी सेवन वन ट्वेंटी एट से एक कम वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया और जो लास्ट वाले दोनों ऑक्टेड हैं ये आपके मैक्सिमम होंगे टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव पहले सबनेट का नेटवर्क आईडी दिस इज ब्रॉडकास्ट आईडी सेम ऑर्डर में टेन डॉट वन ट्वेंटी एट जीरो डॉट जीरो नेटवर्क आईडी होगा यानी कि वन ट्वेंटी सेवन हमारा कंप्लीट हुआ वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम दन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी एट मैंने यहाँ पे लिया फिर इसके बाद टेन डॉट ये मैक्सिमम टू फाइव सिक्स से एक कम वैल्यू आपको लेना है टेन डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव दिस विल बी द्रॉडकास्ट आई डी फॉर द सेकेंड सबनेट आई पीज के एलोकेशन आप कैसे स्टार्ट करेंगे तो पहला जो वैलिड आईपी आपका होगा फर्स्ट सबनेट का दैट विल बी टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन एंड अगेन लास्ट जो वैलिड आईपी आपका होने वाला है टेन डॉट वन टी से आपको इतने आईपीज के एलोकेशन कैसे करने हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है क्लास बी में की एलोकेशन को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं पहले हम लास्ट वाले ऑक्टेड को फिल करते हैं जब लास्ट वाला ऑक्टेड हमारा फिल हो जाता है वी स्विच टू द नेक्स्ट ऑक्टेड जब ये हमारा फिल हो जाता है वी विल स्विच टू द नेक्स्ट ऑक्टेड ठीक है सेम ऑर्डर में दूसरे सबनेट का पहला जो वैलिड आईपी होगा दैट विल बी टेन डॉट वन टी एट जीरो डॉट वन सेम ऑर्डर में टेन डॉट टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फोर तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं क्लास ए का जो सबनेटिंग है आप कर सकते हैं जनरली मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सेम कैलकुलेशन सबनेटिंग का सेम आइडिया आपको अगर लेना है तो आपके पास एक बिट क्रिकेट आईपी कैलकुलेटर अवेलेबल है ऑनलाइन आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं सेम एड्रेस को अगर आप कैलकुलेट करने जाते हैं तो वी एक्चुअल सबनेट मास्क वैल्यू वैल्यू एन का यहां पे 1 है मैक्सिमम सबनेट्स जो हमारे दो आए थे तो यहाँ पे भी दो हैं तो आपका लिखा हुआ है ठीक है टू सबनेट्स और उनका भी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके माइंड में ऐसा भी कुछ आता है कि सेम एड्रेस को मैं क्लास बी के एड्रेस की तरह यूज करना चाहता हूं सो दिस इज द क्लास बी एड्रेस यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं स्लैश सेवनटीन का मतलब है आपने ये नाइन बिट्स आपने ऑन करे हैं और फिफ्टीन बिट्स को आपने ऑफ रखा है सेम वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं ओनली यहां से सेवनटीन आप यहाँ पुट करते हैं तो यू हैव द आइडिया कितने सबनेट्स होंगे कितने मैक्सिमम आईपीज आप एक सबनेट में लगा सकते हैं कितने आपके होस्ट के बिट हैं कितने आपके सबनेट्स के बिट हैं सेम ऑर्डर में इसी एड्रेस को क्लास सी के तरह आप यूज करना चाहते हैं तो स्लैस ट्वेंटी फाइव पर भी आपको एक आइडिया लेना है कि कैसे हम लोग सबनेटिंग कर सकते हैं सो स्लैस ट्वेंटी फाइव अगर आप करते हैं तो मैक्सिमम जो आईपीज आपके लगेंगे वो वन लेकिन सबनेट्स का काउंट आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको देखो यहाँ पे बता रहा है कि एक लाख इकतीस हजार बेहतर इतने सबनेट्स आपके इस पर्टिकुलर एड्रेस को अगर 25 पे आप ब्रेक करते हैं तो यू विल गेट द दिस मच ऑफ सबनेट्स ठीक है यू हैव द सेवनटीन बिट्स फॉर द सबनेट मतलब एन इक्वल टू आपका वन सेवन है ठीक है तो इस बेसिक नेटवर्किंग के सेशन को लेक्चर सीरीज को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा आने वाले लेक्चर्स में हर एक टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट एक तरीके से आप ये समझ लें कि जिन टॉपिक्स को मैं अपने ट्रेनिंग्स में कवर नहीं करता हूं उन टॉपिक्स को लेके मैं ज्यादा फोकस रहूंगा ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रहना है नेक्स्ट टॉपिक में मैं अपना बी के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर नहीं करता हूँ जेनवनली ठीक है तो उन पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा सेम फॉर द जितने भी फोर्टी मॉड्यूल्स मैंने लिखे हैं वी विल कवर वन बाई वन तो बेसिक नेटवर्क मैंने आपका क्लियर कर दिया है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ लेक्चर मेरा होगा लेक्चर नंबर ट्वेंटी एंड uh, बेसिक नेटवर्किंग टिल द टाइम आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग